बुद्धिमान कबूतर। एक बार की बात है, एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में लोगों के घरों की छतों पर कबूतरों के झुंड अक्सर दाना चुगने आते थे। गांव के बच्चे भी उन्हें दाना डालते और उनके साथ खेलते थे। उन्हीं कबूतरों में एक कबूतर ऐसा था जो अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए मशहूर था। उस कबूतर का नाम मनोहर था। वह न केवल दाना चुगने आता बल्कि हर दिन अपने दोस्तों को नई नई कहानियां सुनाता। उसकी कहानियां हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और साहस का संदेश देती थीं। एक दिन गांव में एक शिकारी आया। वह जाल लेकर कबूतरों को पकड़ने के लिए जंगल में घूम रहा था। उसने गांव के कबूतरों को उड़ते हुए देखा और सोचा, इन कबूतरों को पकड़कर बेच दूंगा तो खूब पैसे मिलेंगे। शिकारी ने खेतों के पास चावल बिखेर दिए और उसके ऊपर जाल बिछा दिया। कबूतरों का झुंड उस ओर उड़ता हुआ आया। उन्हें चावल देखकर बहुत खुशी हुई। सभी ने सोचा, चलो आज पेट भरकर दावत उड़ाते हैं। लेकिन मनोहर ने तुरंत चेतावनी दी, दोस्तों हमें किसी अजनबी जगह से खाना नहीं खाना चाहिए, यह खतरनाक हो सकता है। पर बाकी कबूतर उसकी बात को अनसुना कर चावल खाने लगे। मनोहर ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही कबूतर चावल खाने लगे, जाल बंद हो गया। सभी कबूतर जाल में फंस गए। वे घबराकर चिल्लाने लगे, अब क्या होगा, शिकारी हमें पकड़कर ले जाएगा। मनोहर जो जाल के पास ही बैठा था, उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, लेकिन अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने का तरीका निकालूंगा। मनोहर ने जाल में फंसे कबूतरों को समझाया, अगर हम सब एकजुट होकर कोशिश करेंगे तो इस जाल से निकल सकते हैं। हमें अपनी ताकत को एक साथ लगाना होगा। कबूतरों ने मनोहर की बात मानी। उसने कहा, हम सब एक दिशा में उड़ने की कोशिश करेंगे। जाल भारी है लेकिन हमारी एकता इसे हरा सकती है। सभी कबूतरों ने मनोहर के निर्देश पर अमल किया। उन्होंने एक साथ पंख फड़फड़ाए और पूरी ताकत से उड़ने लगे। शिकारी यह देखकर हैरान रह गया कि जाल सहित कबूतर आसमान में उड़ गए हैं। शिकारी ने उनका पीछा करने की कोशिश की लेकिन कबूतर बहुत तेजी से उड़ गए और जंगल में जाकर एक बड़े पेड़ पर बैठ गए। मनोहर ने अपने पुराने दोस्त चीकू चूहे को बुलाया। उसने कहा, चीकू हम मुसीबत में हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे? चीकू ने कहा, तुम्हारी एकता देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं जरूर मदद करूँगा। फिर चीकू ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। कुछ ही समय में जाल कट गया और सारे कबूतर आजाद हो गए। सभी कबूतरों ने मनोहर का धन्यवाद किया और कहा, हमने आज अपनी गलती से सीखा कि लालच और असावधानी से हमेशा नुकसान पहुंचाता है। हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। मनोहर मुस्कुराकर बोला, याद रखना, एकता में शक्ति है। जब हम सब साथ होते हैं तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि संकट के समय घबराने की बजाय हमें मिलजुल कर और समझदारी से काम लेना चाहिए। साथ ही बिना सोचे समझे किसी भी चीज पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। बुद्धिमान कबूतर की यह कहानी आज भी बच्चों और बड़ों को प्रेरणा देती है कि एकजुटता और बुद्धिमानी हर मुश्किल का समाधान है।